गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमने पिछले जो वीडियो था उसके अंदर हमने लेसन नंबर 12 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन किया था ना। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में लेसन नंबर 12 पादप में जनन का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ओके बच्चों, रेडी? ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन, तो प्रमुख अंतर, तो अलैंगिक जनन का होता है, बिना बीजों के जो जनन होता है वो कैसा होता है? अलैंगिक जनन होता है, जो बीजों के द्वारा जनन होता है वो कैसा हो गया? लैंगिक जनन हो गया। तो इनके अंदर क्या बताना है हमें? अंतर बताना है, ठीक है बच्चों? ठीक है। और लैंगिक जनन में क्या होते हैं? जननांग होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में कोई जननांग होते हैं नहीं, कोई जननांग नहीं होते। वो कैसा होता है? वो भी हमने पढ़े थे कि भाई अलैंगिक जनन भी होते हैं, 4 या 5 प्रकार के अलैंगिक जनन होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था काय का अलैंगिक जनन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, खंडन द्वारा अलैंगिक जनन, और हमने पढ़े थे, ठीक है ना? ऐसे करके हमने अलैंगिक जनन पढ़ा था, ठीक है। और लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें जनन अंग होते हैं, और जनन अंग क्या करते हैं? फिर आगे फल का बीज का निर्माण करते हैं, बीज से फिर आगे नया पौधा भी बनता है, ऐसे करके जनन वो पाता है, अलैंगिक जनन होता है। तो इन दोनों के बीच हमें अंतर बताना। ओके स्टार्ट। ओके स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखेंगे हम यहाँ पे, लिखेंगे अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के बीच के मध्य या बीच अंतर के मध्य अंतर बताने हमें अंतर बताएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप मेरे साथ साथ नोट कर लेना। ओके बच्चों, पहले एक तरफ लिखेंगे अलैंगिक जनन, क्या लिखेंगे? अलैंगिक जनन, और दूसरी तरफ लिखेंगे हम लैंगिक जनन, ठीक है? पहला लिखेंगे अलैंगिक जनन और दूसरा लिखेंगे लैंगिक जनन। तो पहला तो हमारा सिंपल सा हो गया कि भाई इस जो प्रकार के जो होते हैं ना, जो जनन, इसमें क्या होता है? बिना बीजों के जनन होता है। तो पहला हम अंतर यही लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप उत्पन्न करते हैं। लिख लो आप इसको, उत्पन्न करते हैं। अब दूसरा लिखेंगे, दूसरा अंतर है वो लिखेंगे हम, इस प्रकार के जनन में नए पादप बीजों द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये तो हमने पढ़ा ही था, सिंपल सा था, ठीक है? तो इसमें तो क्या, बिना बीजों के जनन होता है, इसमें क्या होता है? बीजों के द्वारा क्या होता है? जनन होता है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे हम, इसमें नर तथा मादा युग्मकों की, दिख रहा है ना? हाँ, मादा युग्मकों की आवश्यकता दिख रहा, नहीं दिख रहा? आवश्यकता लिखा हुआ, हाँ, आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है बच्चों? जो ये वाला जो अलैंगिक जनन होता है, इसमें नर तथा मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। होती है क्या बताओ? काई जनन में कोई नर तथा मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं, खंडन में कोई मादा तथा नर युग्मक की आवश्यकता नहीं, और जो मुकुलन है उसमें भी कोई नर तथा मादा युग्मक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर सही होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें साथ साथ लिख लोगे आप मेरे, इसमें नर तथा मादा
युग्मकों के युग्मन युग्मकों के युग्मन से नई कोशिका से ही नई कोशिका बनती है, नई कोशिका बनती है। दिख लिया आपने? दिख रहा है ना आपको अच्छे से? नहीं दिख रहा तो ये लॉक के लिए फोन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। हाँ दिख रहा होगा अब आप सब लोगों को अच्छे से। वेरी गुड। ठीक है देखो देखो आराम से कर लो, आराम से, कोई मेरे वो नहीं है। कर लिया ना? इसके बाद एक और लिखना है। ठीक है तो हम ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं, आप इस आंसर को करो जब तक हम ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं ना। ठीक है और इस लाइन को भी इरेज कर दूं? चलो चलो नहीं करते। ओके तीन नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं ना, तीन नंबर अंतर है हमारे पास। वो इस विधि द्वारा उत्पन्न पादप जनक पादप के समान ही होते हैं, मतलब उसके जैसे ही क्या होते हैं दिखते हैं। जो अलिंगी जनन के द्वारा जो नया पादप बना है ना, इस विधि द्वारा उत्पन्न जो पादप है ना, वो जनक पादप के समान ही होते हैं, मतलब उसके जैसे ही क्या होते हैं दिखते हैं। जबकि जो इस विधि द्वारा जो पादप उत्पन्न होते हैं ना, उनमें क्या होती है? विविधताएं होती है अलिंगी जनन में। ठीक है लैंगिक जनन में जो पादप उत्पन्न होते हैं उनमें क्या होती है? विविधताएं होती है। ठीक है ना तो हम लोग लिखेंगे इसके अंदर, इस विधि से उत्पन्न नए पादपों में विविधता होती है। ठीक है तो ये हमारा हो गया, यहाँ तक अंतर हो गए सारे खत्म। लिख लो इसको। ठीक है तो मैं नीचे वाला जब तक मिटा दूँ अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर है ना, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। ये लिखो आप क्वेश्चन आंसर, लिखो क्वेश्चन, लिखो आप ही इसका आंसर मैं कराऊंगी आपको। क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखो बेटा जल्दी से। अगर मान लो कोई बच्चा नहीं लिख पा रहा है इतना तेज से, तो वो वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकता है। ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं है कि तुम्हें लगातार वीडियो में ही तुम्हें वो लिखता कंटिन्यू, नहीं, वीडियो पॉज करके आराम से भी लिख सकते हो। ठीक है तो अब तुम क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन तो लिख लिया होगा तुम लोगों ने, नहीं लिखा? चलो कोई नहीं मैं लिखा देती हूँ भाई तुम्हें। लिखो भाई लिखो। किसी पुष्प का चित्र खींचकर उनमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। ठीक है अब हमारा जो ये क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि किसी पुष्प का क्या करना है, नामांकित चित्र खींचना है। चित्र खींच कर क्या करना है, उसके जनन अंगों को क्या करना है, नामांकित करना है। तो बताओ जनन अंग कहाँ पर होते हैं? पुष्प के अंदर ही होते हैं। ठीक है तो तुम मेरे साथ साथ डायग्राम बना लोगे पुष्प का।
हमने कोई बनाया पुष्प? ठीक है, ये हमने कोई बनाया पुष्प? अब इस पुष्प के अंदर देखो क्या क्या है। इस पुष्प के अंदर देखो ये भट्टी का आग्रह है, ये भूकेसर है ऐसे, ठीक है, ये भूकेसर है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बना लोगे तो, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा पुष्प का डायग्राम। ठीक है, अब इसके जनन अंग कौन कौन से वो बताने। तो ये क्या हो गया, ये जो इसमें बीच वाला दिख रहा है वो क्या हो गया, स्त्री केसर। ये क्या हो गया, स्त्री केसर। मैंने बोला था कि मैं जो मादा जनन अंग होता है उसको क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। और ये क्या हो गया, बोलो पुंग केसर। क्या हो गया, पुंग केसर। इसको लिखेंगे पुंग केसर, इसको बना लो आराम से। ये क्या है, चित्र किसका है, नीचे लिख दो कि चित्र किसका है, पुष्प का। किसका है ये, पुष्प का। दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ, ओके। अब हम बनाते हैं जो इसके जो जनन अंग है ना उसके बारे में बात करते हैं कि भाई जो पुंकेसर है वो कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता ना। ये हो गया हमारा कैसा, पुंकेसर हो गया। पुंकेसर ये क्या हो गया, पुंकेसर में पराग कोश। क्या हो गया, ये पराग कोश हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, पूतंतु। क्या हो गया, पूतंतु, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल, ठीक है ना, मतलब उसकी स्त्री केसर की। स्त्री केसर में देखो हम बात करते हैं, इसमें होगा यूं लंबी सी, फिर पेट थोड़ा फूला हुआ, यूं होगा ये पेट थोड़ा फूला हुआ, बाकी तुम्हारे ना बुक के अंदर पूरा डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना, वहां से बना लेना अगर तुम्हें वहां से इजी लगे तो, ठीक है। ये होगी तुम्हारी भर्ती का, ठीक है ना, तो इसको बता सकते हो भाई। देखो इसको क्या बोलोगे, बोलोगे वर्तिकाग्र। दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा तुम्हें? चलो यहाँ लिख देते नाम इसका, थोड़ा सा ऐसे लिख देते ना, दिखाई नहीं देगा तुम्हें। ये देखो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ, इसका नाम क्या है, वर्ती वर्तिकाग्र। क्या नाम है इसका, वर्तिकाग्र, ठीक है। और इसका नाम क्या है, वर्तिका। क्या है, वर्तिका। ये दिख रहा होगा वरना तुम बुक में देख लेना, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, बीजांड। क्या होते हैं, बीजांड। ये तुमने चित्र बना लिया, यहाँ पे नीचे लिख लो ये किसका चित्र है, पुंकेसर का। किसका, पुंकेसर का। और ये किसका चित्र है, स्त्री केसर का। लिख लिया तुम लोगों ने, जल्दी से इसको करो, वीडियो पॉज करके तुम लोग देख लेना। जब तक इसको क्या कर देते, मैं मिटा दूं फिर। दिख रहा ना तुम्हें, ये लो, अच्छे से दिख रहा होगा अब तो ना। हाँ, वेरी गुड। देखो देखो, करो 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 करो, मिटा दो अब, वरना तुम अपने बुक में देख के इसको बना लेना। बना लोगे ना, चलो फिर बढ़िया है। नहीं बनाया तो बना लेना, मैं इसको नहीं मिटा रही। एक बार के लिए इसके आगे वाला क्वेश्चन ऊपर लिख देते हैं अपने। इसके आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, स्व परागण और पर परागण के बीच अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्व परागण व और स्व परागण और पर परागण और पर परागण के बीच अंतर बताइए। स्व परागण तथा पर परागण के बीच क्या बताना है, अंतर बताना। ओके बच्चों, तो अब इसकी आंसर लिखेंगे हम। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास आएगा,
जो स्व, अच्छा पहले मैं तुम्हें वर्बली समझाती हूँ, जो स्व परागण होता है उसके अंदर जो परागकण होंगे ना, परागकण, वो क्या उसी पुष्प के ऊपर गिर जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्व परागण। अगर मान लो कोई पुष्प के जो परागकण है उसी पुष्प के नहीं, उसी पुष्प के ऊपर नहीं करके किसी अन्य पुष्प पर गिर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पर परागण। बात समझ आई, अन्य पुष्प पर गिरना पर परागण, किसी खुद के स्वयं के पुष्प पर ही गिरना क्या बोलते हैं, स्व परागण। ठीक है, हम इसमें लिखेंगे स्व परागण में परागकण परागकोष से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, जबकि मैंने बोला ना उसी पुष्प के ऊपर होता है तो स्व मतलब खुद के पुष्प पर ही होता है तो उसको स्व परागण, जबकि परागकण एक पुष्प के पराग कोष से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, देखो वहां पे ओवरलैप हो गया, इसको मिटा दो ना इसको। ओके, मिटा देते हैं अभी इसको, आप लोगों ने सबने इसको कर लिया होगा ना। तो जो स्व परागण होता है वो उसी पुष्प के पर वर्तिकाग्र पर गिर जाता है, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होती है, जबकि पर परागण परागण एक पुष्प के परागकोष से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, हो गया परागण, उसके अंदर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो पुष्प है उसके अंदर जो निषेचन होता है वो किस प्रकार से क्या होता है, संपन्न होता है। तो हम इसके बारे में भी लिखेंगे, बताओ पहले बताओ निषेचन कब होगा, लैंगिक जनन में होता है कि अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में क्या होगा, निषेचन होगा। ठीक है ना, लैंगिक जनन में निषेचन होता है तो नर तथा मादा युग्म क्या करते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, निषेचन के द्वारा युग्मनज बनाते हैं, एक कोशिका बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है उनके अंदर, बताओ बोलो क्या होता है उसके अंदर। तो युग्मनज बनता है, ठीक है ना, युग्मनज बनता है। युग्मनज के बाद क्या होता है, अंडाशय बनता है। अंडाशय के बाद उसे क्या बनता है, फल बनता है। ये होता है निषेचन, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्टिंग कहां से होती है, जो परागकण है वो किसके ऊपर, वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। वर्तिकाग्र से क्या निकलती है, फिर जब वो परागकण उसके ऊपर निषेचित होता है तो वर्तिकाग्र से क्या निकलती है, पराग नली निकलती है। पराग नली कहां पर जाती है, अंडाशय में जाती है, जो हमने वहां पे बताया था। ठीक है, किसमें जाती है, अंडाशय में जाती है। अंडाशय में जाके आगे किसका निर्माण करती है, अंड का निर्माण करती है, और फिर क्या बनाती है, पुष्प बनाती है, फल बनाती है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें बात करते हैं, हमने लिख से अच्छे से ना लिखेंगे हम पहले लैंगिक
जनन के समय निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है नर युग्मक परागकण परागकण मादा के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। नर युग्मक परागण मादा के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। उसके बाद देखो वर्तिकाग्र पर जो परागण के ना उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित होकर एक पतली नली का निर्माण करते हैं। यह पराग नली पराग कण को स्त्री केसर के अंडाशय तक कहाँ तक स्त्री केसर के अंडाशय तक ऊपर वाला मिटा दो क्या ठीक है ना स्त्री केसर के अंडाशय तक वो लिखा हुआ अंडाशय तक मैं इसे वापस लिख देती हूँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा अंडाशय तक ठीक है ना दिख रहा अभी हाँ ऊपर वाला ही क्वेश्चन नंबर 5 मिटा रही हूँ ठीक है ना 6 मिटा रही हूँ सॉरी अंडाशय तक पहुंचने में क्या करता है मदद करता है ठीक है ना स्त्री के सिर के अंडाशय तक पहुंचने में मदद करता है। यहाँ पर अब अंडाशय में पहुंच गया परागकण अब आगे देखो क्या होता है। यहाँ पर नर युग्मक का मादा युग्मक से युग्मन होता है मतलब जुड़ते हैं आपस में ठीक है ना युग्मन होता है युग्मन मतलब क्या होता है संयोजित होना तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में लिख लो उसके संयोग ठीक है ना युग्मन से बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है युग्मनज
बनाने के लिए, ह्यूमनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया अभी तक हमने लिखाई थी वो सारी क्या? निषेचन है। बात समझ आ गई क्या? फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है ना, जल्दी से कर लो। ये वाला तो तुम लोगों ने कर ही लिया होगा ना, नीचे वाला तो इसको तो फिर हम कर देते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, मिटा देना इसको। ओके, वरना अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि छोड़ ही दिया उसको, क्या रहे मैडम ने तो मिटा दिया, मिटाया बेटा, तो वीडियो पॉज करके तुम आराम से देख सकते हो, ठीक है ना उसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, ठीक है, वो करेंगे उसके बाद ये लेसन क्या हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। प्रकीर्णन की कितनी विभिन्न विधियों का क्या करना है हमें? वर्णन करना है। तो हमने देखा प्रकीर्णन कैसे कैसे हो रहा था, तुम बताओ जरा। बीजों का प्रकीर्णन हवा के द्वारा होता है, हो रहा था, जल के द्वारा हो रहा था, और बताओ किसके द्वारा? जंतुओं के द्वारा हो रहा था ना, हवा के द्वारा हो रहा था, जल के द्वारा हो रहा था, और जंतुओं के द्वारा। तो हम इनके बारे में आज भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला लिखेंगे पवन द्वारा। किसके द्वारा? पवन द्वारा। पवन मतलब हवा के द्वारा, ठीक है ना, पवन लड़का नहीं बेटा, हवा के द्वारा, ठीक है ना। लिखेंगे हम सहीजन तथा मैपिल जैसे, तो हमने पढ़ा था ना इस लेसन के अंदर, मैपिल जैसे जो इनके बीज होते कैसे होते, पंख युक्त होते, वो हवा के द्वारा उड़ के कहीं भी चले जाते हैं ना, मैपिल जैसे पंख युक्त बीज घासों के, जो घासें होती है ना उनके क्या होते, बीज हल्के होते, ठीक है ना। तो घासों के हल्के बीज अथवा आग के रोम युक्त बीज, जो आग होता है ना, आग आपने सुना होगा, आग का पौधा जो उसके होते हैं ना, उसके रोम युक्त बीज इतना लिखेंगे, रोम युक्त बीज पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। अगली लिखेंगे हम पवन के द्वारा हो गया, अब हम किसके द्वारा लिखेंगे? जल द्वारा। कौन सी विधि लिखेंगे अब हम? जल द्वारा। इसको नाम दे देते हैं, ये कौन सी विधि है? पहली विधि है, ये कौन सी विधि होगी? दूसरी विधि होगी जल द्वारा, तीसरी जंतुओं के द्वारा। तो लिखेंगे कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। लिख रहा ना? हाँ, कुछ भी जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, तो फिर विशेषताएं क्या होती है? ऐसे बीजों अथवा
ऐसे बीजों के आवरण, ये रुको, ऐसे बीजों के आवरण, ऐसे बीजों के आवरण स्पंजी तथा तंतुमय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो नारियल, कौन नारियल, ठीक है ना, जो जल के साथ जो भी जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं ऐसे बीजों के आवरण स्पंजी तथा तंतुमय होते हैं। एग्जाम्पल क्या, नारियल, ये क्या करते हैं जल के साथ बहकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अभी ऊपर वाला मिटा दूं मैं। अगला लिखेंगे जंतुओं के द्वारा, हमारा तीसरा है जंतुओं द्वारा, ठीक है, लिखो इसके बारे में। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कांटेदार बीज या कंटकी बीज, जिसमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे ये बीज जंतुओं से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं, दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। उदाहरण क्या हो गया इसके, बताओ, पढ़ा था ना तुमने, तो इसके एग्जांपल लिख लेंगे हम लोग। यूरेना तथा जेंथियम के बीज, इसके बीज यूरेना तथा जेंथियम के बीज। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा लेसन कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो हमारा लेसन आज कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, लेसन नंबर 12। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। आप इसको अगर आप लोगों में से किसी ने भी नहीं किया तो वीडियो पोस्ट करके कर लो। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।